बोल पेमसोम श्री सदगुरु महर्ष में ही परमहंस महाराज जी की जय। गुरुदेव का प्रवचन जीवन की सार्थकता महर्ष साहिब स्वामी जी महाराज के वचनों में। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करना बिनो बारंबार। ज्ञान उदियर ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहु बार ही सकल सुपूजन भूप। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं बहनों, संतों के संग का नाम ही सत्संग है। संत से तत्पर्य जिनके दुखों का हो गया अंत, जिनकी वासनाओं का हो गया अंत, जिनके माता के गर्भ में जाने आने का हो गया अंत, वे है संत। महा उपनिषद में आया है, जिसके हृदय की गांठ खुल गई, जिसका संशय समाप्त हो गया, जिसका कर्म बंधन समाप्त हो गया, जिनकी दृष्टि परे से परे अर्थात परमात्मा का दर्शन करती है, वे संत है। हृदय की गांठ खुलने का मतलब क्या? हम आपका शरीर क्या है? यह है जड़। इसमें रहने वाला हम जड़ नहीं चेतन है। जड़ कहते हैं अज्ञानमय पदार्थ को और चेतन कहते हैं ज्ञानमय पदार्थ को। किस तरह से है शरीर में? जैसे दूध में घी रहता है, दूध के परमाणु परमाणु में घी व्याप्त होता रहता है। इसी शरीर में हम व्यापक हो करके हैं, इसलिए हम आपके पैर में चींटी भी चढ़ जाती है तो हम आपको मालूम हो जाता है, सिर पर मक्खी बैठ जाती है तो आपको मालूम हो जाता है। कैसे? इसलिए कि नख से सीख तक हम भरे हुए हैं। जिन्होंने इस शरीर से अपने को अलग कर लिया, जिस तरह से दूध से घी को अलग कर लेते हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया है भिगते हृदय ग्रंथि, यानी अलग कर लिया तो क्या हो गया? दूध में से घी को अलग कर लेते हैं तो क्या होता है? कुछ ऐसा काम होता है जो दूध के साथ रहने पर नहीं होता है, जैसे पूरी मिठाई आदि बनाने का काम है। ऐसा कर लिया तो क्या होगा? ये आपके अपने आपके ज्ञान में होकर परमात्मा को ज्ञान में हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा में विराजने वाले सुख को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने परमात्मा को में विराजने वाले सुख को प्राप्त कर लिया, उन्हीं के बारे में कहा गया है जिनके संशय का नाश हो गया। संशय किसको होता है? अज्ञानी को। और अज्ञानी कौन है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो पढ़ लिख कर कोई ज्ञानी नहीं हो, पढ़ लिख कर अगर ज्ञानी हुआ जाता तो संत कबीर साहब के बारे में आप जानते हैं, वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कितने उच्च दर्जे के ज्ञानी थे, जिससे पढ़कर ज्ञानी हुआ ही नहीं जाता। पढ़ लिख कर अगर ज्ञानी हुआ जाता तो रामकृष्ण परमहंस महाराज को बंगाल के रहने वाले थे, जिन उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा था कि वे केवल अपना नाम लिख पाते थे, गदाधर। वे कितने ऊंचे दर्जे के ज्ञानी थे, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी बने। अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन था 1883 ईस्वी के सितंबर महीने में, जिसमें 133 देशों के अध्यात्म के पर कांड विद्वान आए हुए थे। उसमें स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी भाग लिया था। समस्त विद्वानों ने एक बार से कहा कि वे विधाता के परे के विद्वान हैं। ऐसे जो विधाता
ऐसे जो विधाता के परे के विद्वान स्वामी विवेकानंद जी महाराज थे, रामकृष्ण परमहंस महाराज के शिष्य कैसे हो गए। ज्ञान होता है प्रकाश में, अज्ञान होता है अंधकार में। देखिए अभी सूरज का प्रकाश है, हम संसार का ज्ञान कर लेते हैं, सूरज का प्रकाश नहीं रहेगा तब क्या। ज्ञान करने के लिए बिजली बत्ती जलाइएगा, मोमबत्ती जलाइएगा, लैंटर्न जलाइएगा, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। अंधकार में आप किस गड्ढे में गिरेंगे क्या ठिकाना, कहा नहीं जा सकता। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि प्रकाश में ज्ञान होता है, अंधकार में अज्ञान होता है। अब हम आप अपने शरीर अपने को देखें, शरीर में देखें, शरीर में है तो कहाँ है। तो देखिए अंदर में आँख बंद करके तो क्या देखते हैं, हर एक आँख बंद करके अंदर में अंधकार देखता है। वह अंधकार कहाँ है, जहाँ हम आप हैं उसी अंधकार में हम आप पड़े हुए हैं। इसी अंधकार में पड़े रहने के कारण मन जाने सब बात जानी बूझी अगुण करे, यानी राधा स्वामी साहब के वचन में है, इसी नगरी में तिमरी समाना भूल भरम हर बार। इस कहते हैं नज़दीक की चीज को और उस कहते हैं दूर की चीज को। इसी अंधकार में रहने के कारण जनता जानते हुए भी हम अनजान बने हुए हैं, जानबूझकर अगुण हो जाते हैं। जिन्होंने अंधकार से अपने को ऊपर उठा लिया है उन्हीं के बारे में कहा गया है, जिनके संशय का नाश हो गया है, जिनका कर्मबंधन समाप्त हो गया है। कर्मबंधन कब तक है, जब तक कर्मंडल में है तब तक है। आपका शरीर क्या है, हम आपका शरीर क्या है, आँख के नीचे पिंड कहलाता है और आँख के ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। आँख के नीचे सारी इंद्रियां है और इन्हीं इंद्रियों से कर्म होता है, इसलिए यह कर्मंडल कहलाता है। कर्मंडल से जिन्होंने अपने को ऊपर उठा लिया है, अर्थात पिंड से ब्रह्मांड में पहुँचा दिया है, उन्हीं के बारे में कहा गया है छियंते चयस कर्मानी। ऐसे जो है उनकी दृष्टि परे से परे अर्थात परमात्मा का दर्शन करती है, ये है संत। लेकिन उन्हें पहचानना कठिन है। किसी ने किसी महात्मा से पूछा, महाराज हम संसारी लोगों में और संतों में क्या अंतर है। उन्होंने कहा बाहर से कोई अंतर नहीं है, अंदर से अंतर है। संत लोग जो होते हैं वे मन पर सवार होते हैं और संसारी लोगों जो होते हैं उन पर मन सवार होता है। मन को गरुड़ की मिसाल दी गई है, गरुड़ है पक्षियों का राजा और उड़ने में इतना तेज कि पलक गिनने में जितना समय लगता है उससे बहुत ही कम समय में संसार का चक्कर लगा लेता है। गरुड़ है भगवान विष्णु का वाहन, भगवान गरुड़ पर सवार होकर पलक गिनने में जितना समय लगता है उससे बहुत कम समय में संसार का कल्याण करते हैं। उसी तरह संत महात्मा लोग मन पर सवार होकर अपना तो कल्याण करते ही है, संसार का भी कल्याण करते हैं। विश्व का जब भी कल्याण हुआ है संतों के माध्यम से ही हुआ है। जिसके ऊपर मन सवार होता है उनको संसार की योनियों में चक्कर खिलाता है। जो संत है उनके वचन को अमृत कहा गया है और अमृत के बारे में आप लोग जानते भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है लिखा, किसी ने लिखा है संत वचन वह साधु देव
भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन हुआ धन जिसका है नर प्रार्थना, प्रधान अधिकारी मर्यत अमर बन जाता जिससे हुआ सन जीवन रज रज है, संत वचन सब भाव रोगों का रामबाण भेजन भेजन है, वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का वर वर्द वचन व मंगल में निर्भय है, क्यों बैठा कर्तव्य मूड नर बिना चिंतन का वाहन, संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतन आव गाहन, दूर असत्य असत्य से कर सत्य पथ की ओर लगाना लगाने वाला, और मृत्यु से हटा अमरता तक पहुंचाने वाला, तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है, उच्ची सच्ची मई उस परम धाम का संत वचन सुच्ची सुच्ची मग है, कौन बतावे संत की वाणी में कितना बल है, दासी सूत देवर्षि बन गया जीव हुआ सफल है, उसी संत के वचन से यह चमत्कार दिखलाया गया दिखलाया, देव वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया, अग्नित बार संत वाणी ने निज प्रवाह प्रकाटा, मान उसे ही बालक दूर ने हरि का दुर्पद पाया, एक लुटेरे था जो मन से मान संत की वाणी बाल्मीकि बन गया आदि कवि भनु विदित विज्ञानी। यानी कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब है संतों का वचन अमृत है, जहाँ संत नहीं वहाँ उनके वचनों को सुनिए, केवल सुनिए ही नहीं उनको विचारिए भी, इसलिए विचारा हुआ ज्ञान ठहराव होता है, जैसे एक कच्चा घड़ा है और एक पक्का घड़ा है, दोनों घड़ा ही है लेकिन कच्चे घड़े में पानी नहीं रहता, ठहरता नहीं है, उसी कच्चे घड़े को आग पर चढ़ा दीजिए वह पक्का हो जाएगा, उसमें वर्षों का पानी ठहर जाएगा, उसी तरह विचारा हुआ ज्ञान ठहराव होता है, ये तो विचारता हर एक है, लेकिन करने के पहले जो सोचता है विचारता है उनको बुद्धिमान कहते हैं, करने के समय जो विचारता है उसको सार्थक कहते हैं, करने के बाद काम बिगड़ जाने पर जो सोचता विचारता है उसको तो महामूर्ख कहते हैं, तो सुनिए सुनकर विचारिए और विचार करके साधन कीजिए, सुनी समझो जन मुदित मन मजही अति अनुराग, लाही चारी फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग, विश्वास कीजिए अनुराग पूर्वक साधन कीजिए, लाही चारी फल अर्थात अर्थ कर्म धर्म काम तो होगा ही, अंतिम बात है मोक्ष, सारे दुखों सारे कलेशों से सदा के लिए छूट जाइएगा, तब सपने हो ना ही दुख देत दर्शन, यानी सपना भी दुख का नहीं होगा, उसी तरह जिस तरह आप हिमालय में चले जाकर वहां गर्मी खोजिएगा, क्या वहां गर्मी मिलेगी, नहीं, हिमालय का अर्थ ही होता है हिम अर्थात बर्फ, आलय माने घर, बर्फ के घर में गर्मी, आग के घर में पेड़, आग के घर में
पर जाए तो वहाँ शीतलता का केवल विचार कीजिए, लेकिन शीतलता वहाँ नहीं मिलेगी। उसी तरह परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर आपको खोजने पर भी दुख का मुंह का दर्शन नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब है कि संतों के वचन के अनुसार साधन कीजिए और तत्काल फल देखिए। कहते हैं इसका फल तत्काल देखिए, काक होई पिक बकौ मराल। कहते हैं कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कौवे कोयल कैसे बन गया, बगुला हंस कैसे बन गया? कौवे और कोयल में बोली के अलावा कोई विशेष अंतर नहीं है। जिसको जिन्होंने देखा है वह जानते होंगे कि कौवा कठोर बोलने वाला, कोयल प्रिय बोलने वाली होती है। कौवे की तरह कठोर बोलने वाले जो है वह कोयल की तरह प्रिय बोलने लगे, बोलने वाला बनेंगे। इस सत्संग के अलावा ऐसी कोई जगह नहीं है। बगुला कीड़ा मकोड़ा क्या क्या नहीं खाता है, वह हंस की तरह निरामिष बनेगा, अर्थात नीर छीर का विवेकी बनेगा। इस सत्संग के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बालकंड में दिखते हैं जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कृति भगति भूति भलाई जब ले ही जनत लाख जनत जहां जे ही पाई, सो जानब संत संग प्रभाओ लकहो वेद ना आन उपाओ। सत्संग की सबसे बड़ी महिमा है कि सुबुद्धि होती है। जहां सुबुद्धि होती है वहां संपत्ति होती है। जहां सुमुत्ति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत्ति तहां विपत्ति निदाना। एक राजा थे जिनका नाम था रहुगण। वह कपिल मुनि के यहाँ जा रहे थे उपदेश सुनने के लिए। बाल पालकी में बैठ कर पालकी को ढो रहे थे। संयोग से एक करा बीमार पड़ गया। एक कहार को खोजने सिपाही निकल गए। खोजते खोजते मिल गए एक महात्मा जी। महात्मा जी इतने ऊंचे दर्जे के महात्मा थे कि उनके मल मूत्र से सुगंध फैलती थी चार योजना 16 कोस तक। लेकिन महात्मा का कोई वेश नहीं था। वह महात्मा जड़ भरत जी थे। सिपाही उन्हें पहचान नहीं सके। उनको लाकर पालकी में लगा दिया। वे पालकी लेकर चलने लगे। पालकी कभी ऊंची तो कभी नीचे हो जाए, कभी डगमगा जाए। राजा कहते हैं तुम लोग किस तरह पालकी लेकर चलते हो, हमें तकलीफ हो रही है। कोहारों ने कहा हम लोग तो जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। यह नया करहार जो आया है यही गड़बड़ कर रहा है। नया कोहार कहते हैं देखो जी हमको तुम लोगों की तरह से नहीं चलना है। जरा देख कर पैर रखना पड़ता है। कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पैर के नीचे दबाकर मर ना जाए। राजा सुनता है तो सोचता है किसको लाकर लगा दिया, या तो कोई महापुरुष जैसा लगता है। पालकी उतरवाई और बाहर आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा महाराज आप कौन है, कहा क्या करोगे पूछकर, तुम तो राजा हो ना और मनुष्य को वाहन बनाए हुए हो। लेकिन जरा सोचो तुम राजा कैसे हो गए। देखो तुम्हारा रूप कितना बढ़िया है, किंतु कितना अच्छा है।
बुद्धि विद्या बुद्धि है संपत्ति है, ये सारी अच्छाइयाँ क्या तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है? कर्महीन को ना लाहे भली वस्तु को भोगे। निषिद्ध कर्म करने वाले को अच्छाई का भोग नहीं होता है। तुमसे कोई अच्छा काम बन गया था जिसके फल स्वरूप ये सब अच्छाइयाँ तुम्हें मिली है, लेकिन अब सोचो तुम क्या कर रहे हो? जा रहे हो कपिल मुनि के यहाँ उपदेश सुनने के लिए। सुनो, मैं तो तुमसे कहता हूँ कितना भी तीर्थ कर लो, कितना भी व्रत रख लो, कितना भी दान कर लो, जितना भी अच्छे अच्छे कर्म हैं सब कर लो, लेकिन विश्वास करो जब तक संतों की चरण धूलि से अपने को नहीं नहाओगे, उनके आदेश में अपने को नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी सबरी माई से यही कहा था, अगर अपना परम कल्याण बनाना चाहती हो तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहले की बात है कि संतों का संग करना पड़ेगा। केवल संतों का संग करने से नहीं होगा, केवल संतों का संग करने से नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वहाँ कथा का प्रसंग भी सुनना पड़ेगा। कौन सा कथा प्रसंग होगा जिसको सुनकर मम रति मेरे में प्रेम होगा? कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि संतों का संग करना पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य कुछ है तो एकमात्र यही है, इसे सुनिए समझिए और जीवन में उतारिए। इसी में जीवन की सार्थकता होगी। भजन कीर्तन आदि कीजिए, आपका परम कल्याण होगा। बोल टेम्स ओम श्री सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज जी की जय।